और मैंने 10 मिनट की अपनी मेहनत कर ली है पूरी पूरी। मेहनत करने के बाद मैंने जुगाड़ करो कान्हा जी का झूला बनाना है। झूला बनाने का मैंने लिया 2 पट्टा। ये है भूतेश्वर चौराहे की मेन सजावट और ये है दी गेट की मेन सजावट और यहाँ पे देखिए जन्मभूमि के सामने कितने लोग लेटे हुए हैं। हेलो राधे राधे। आज है बहुत खुशी का दिन पूरे ब्रजवासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए और पूरे विदेशवासियों के लिए, क्योंकि आज है कृष्णा जी की जन्माष्टमी। आज है कृष्ण जी का 5250वां जन्मदिन। आपको दिखाते हैं कि हम ब्रज में कृष्ण जी की जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ ब्रज में जन्माष्टमी का व्रत जो रहते हैं वो पूरे दिन में क्या खाते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, ये सारी बात मम्मी बताएगी। है मम्मी? सारे दिन व्रत रहते, पूजा पाठ करते, अपने फल वगैरह खाओ, शाम को पूजा करो, कन्हैया जी के जन्मदिन करो, पंजीरी बनेगी, दही, फल, कछु भी खाओ। तो वैसे ही यहाँ पे व्रत चालू हो जावे, यानी कि अन्न को एक दानों भी ना खावा, ज्यादातर लोग बस हल्को चाय पानी पी ले में, और बाकी बात पूरे दिन ज्यादातर जब भूख लगेगी तो फल वगैरह ही खाएंगे और कोई बाहर का आइटम ना खाएंगे। मम्मी ना बाहर को। पूरे ब्रज में जो जन्माष्टमी मनाई जावे बड़ी धूमधाम से मनाई जावे। मम्मी मैं तो एकदम पूरी तरह नहा धो के तैयार, अब जा रहा हूँ मैं अपनी बेलदारी का, जब अपना काम करने का जाए। और घर में देखो कैसे भजन चले, तेने काली रात में जन्म लिया। हमारे घर में आज पूरे दिन ऐसे ही हल्के हल्के से भजन चलते रहेंगे कान्हा जी के, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो मैं आ गया हूँ अपने काम पे, अपने दुकान पे, यहाँ पे, क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है तो आज मैं फास्ट रहा हूँ। कुछ फास्ट का ही सामान हम खाएंगे, हमें भूख बहुत लग रही है, लंच का भी टाइम हो चुका है। और आप ऐसे ही बने रहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद करीब 4-5 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे मथुरा की तरफ, जहाँ जहाँ जितनी सजावट हो रही होगी वो मैं आपको सारी दिखाऊंगा। और कुछ लेट नाइट यानी कि 10-11 बजे के आसपास, क्योंकि जन्मदिन जो बनाया जाता है वो 12 बजे बनाया जाता है, 9-10-11 के आसपास जितनी लाखों करोड़ों भीड़ जो जन्मभूमि में आई हुई है और बाहर ऐसे बिखेर के धरतियों में पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे भी दिखा दूंगा, आपको बताता हूँ। अब है शाम को टाइम और हमें भूतेश्वर चौराहे पे, यहाँ पे देखो कितनी तगड़ी सजावट कर रखी है कृष्णा जन्माष्टमी पे, और यही के बगल में है ये कार्यक्रम भी देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ के लोकल लोग और बाहर की थोड़ी बहुत मंडली आई के यहाँ पे ये परफॉर्म करें। और ये है मथुरा को मेन डी गेट, यहाँ की सजावट देखो, ओ भाई दिल खुश है वो मेरे तो, वो देखिए कितनी भव्य सजावट कर रखी है, वाह गजब गजब ढा दियो पूरी तरह से, जय हो। और अब बज रहे रात के 8:30 के आसपास और जनता बहुत दूर दूर से आके यहाँ पे कर रही है आराम, क्योंकि अभी ये 11-12 बजे के बाद जनता और उमड़ेगी आज के बुरी तरह से। पुलिस ने पूरी चारों तरफ से कर दी है बैरिकेडिंग, जनता कितनी आ रही है ये देखो, सब लेटी हुई। और सामने तुम्हें ये दिखाई दे रहा है ये जन्मभूमि की सजावट देखो कितनी प्यारी और कितनी भव्य लग रही है, वाव। यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे कितनी ज़्यादा और भीड़ आई है, चारों तरफ से रास्ता पुलिस ने बंद कर रखे हैं, पैदल जाने वाले नहीं अंदर जान दे रहे हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल सब आने का जो बिल्कुल बंद कर दी है। ये देखो सामने जन्मभूमि कितनी अच्छी लग रही है। तो हम फाइनली आ चुके हैं घर पे और मैंने 10 मिनट की अपनी मेहनत कर ली है पूरी। मेहनत करने के बाद मैंने जुगाड़ करो कान्हा जी का झूला बनाना है। झूला बनाने का मैंने लिया 2 पट्टा, ये बराबर के पट्टा है दोनों, एक जी पट्टा है, एक जी पट्टा है। यहाँ पे हमने चमकनी सी जी पन्नी एका जी चुपकाई है और हमारे पास पड़ी कुछ ऐसी फुलझड़ी से जो करके लपेट के हम ये दोनों बांधती है और हमें बनाना देसी जुगाड़ करना है, क्योंकि गली पे हम बेलदार है, पैसा तो हम पहना है, और कान्हा जी का झूला जरूर बनाना है, कान्हा जी को जन्मदिन रहने वाला है। तो हमने ऐसे ऐसे जुगाड़ करो, ऐसी जी फुलझड़ी जगह है बराबर बराबर ऐसे करके और यहाँ से ऐसे करके ये हमने चारों कोने से ऐसे बांध ली। हम जाए हम कहीं ना कहीं से ऐसे लटकाने को कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। तो तुम कमेंट करके बताओ कि हमारे कान्हा जी को देसी झूला जब हटा दे हम यहाँ से, देसी झूला कैसा लग रहा है, ये मेरी मेहनत है पूरी 10 मिनट की। यहाँ पे हम कान्हा जी को सिंहासन बनाएंगे, कान्हा जी यहाँ पे बैठाएंगे, ऐसे हम चोटा मारेंगे कान्हा जी में लंबे लंबे से। तो
और जी हमने बांध के कर दिया पूरी तरह तैयार कान्हा जी को झूला। ये तो मैं कैसा लग रहा हूँ, ये देखो रुक जाना थोड़ी देर बाद बैठे, एक मिनट रुक जाए। अब जी हमने कान्हा जी बैठा के देख लिए कि हम कैसे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। कान्हा जी ने ड्रेस कैसी पहन रखी है ये भी तुम बताओ। जी हमने डायमंड की ड्रेस बनवाई है स्पेशली कान्हा जी का जान। हमारे पास दो कान्हा जी, एक छोटे कान्हा जी एक बड़े कान्हा जी, और ये कान्हा जी की मूर्ति। और यहाँ पे देखो अब ये झूला झूलेंगे। ये राधे राधे। यहाँ पे बज गए पूरे 12:10 के आसपास हो रही है, और यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण नहाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इनका हो गया है जन्मदिन पूरा, इन्होंने जन्म ले लिया इस धरती पे। अब ये पूरा दूध से मक्खन से शहद से 4-5 चीज़ों से पूरी तरह बढ़िया मलमल के नहाएंगे। ये देखिए और यहाँ पे हमारे कान्हा जी ने नए नए बढ़िया से सजावट के कपड़ा पहरा दिए हैं। ये देखो मुकुट माला नहाए धोए के जी है पूरी तरह तैयार। बोलो मम्मी जय कन्हैया हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी झूला झूलेंगे, क्योंकि अभी अभी इनका जन्मदिन हुआ है, तो इनको आप हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे भी हमारी राधा रानी नहा धो के बढ़िया से चमकते से कपड़ा पहन के लहंगा पहन के हैगी हैं ब्यूटीफुल तरह से पूरी तरह तैयार। और यहाँ पे प्रसाद में केलन का फल, सेब का फल, यहाँ पे पंजरी और दही, ये लग रहा है भोग यहाँ पे हो रही है पूजा पाठ भगवान की। अब हम जा रहे हैं ऊपर छत पे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। वही रात में थोड़ा थोड़ा हल्का चमकता चमकता जो चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ की वजह से हमारे यहाँ छत पे आसपास सारे पेड़ वगैरह हैं तो इतना दिखाई देता नहीं है। ऐसे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। ले जाओ परिक्रमा भी आपसे मिलते हैं अगले साल। तब तक आप ऐसे ही हमारे ब्लॉगों को पसंद करते रहिए और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। ऐसी धमाकेदार आपको अगले ब्लॉग में हम देखने को मिलेंगे। तब तक बाय।